अरबी जुबान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ जरूरी है, जैसे नमाज। ये सवाल अजीब व गरीब सवाल है, इसका जवाब मेरे लिए देना मुमकिन नहीं। उनको सारा गिन कर मैं बता रहा हूँ बैठा बैठा कहाँ कहाँ जरूरी है। अरे कोई जगह बताओ, कोई जगह, कोई मुअय्यन मसला पूछो तो छूटता है, या कोई मुअय्यन जगह के बारे में कि फला जगह जैसे नमाज ठीक एक जगह उन्होंने बताई की। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि नमाज में अरबी जुबान का इस्तेमाल जरूरी है, फर्ज है। अरबी ही में शुरू से आखिर तक नमाज में हर चीज जरूरी है। अरबी के अलावा किसी दूसरी जुबान में अगर बोलेगा पढ़ेगा नमाज बाकी। खास तौर पर ये जो जुमा इंग्लिश में होता है, जुमा का इंग्लिश में होते हैं तो क्या जुमा इंग्लिश होते है। खास तौर पर ये जो जुमा इंग्लिश में होता है उसकी हकीकत बयान करें। इसकी क्या हकीकत बयान करेंगे? ये तो हकीकत आप लोग बयान करेंगे कि आपके यहाँ जुमा इंग्लिश में क्यों होता है। वो मुझे आप सुनाएंगे तो मुझे मालूम होगा, मैं आपको क्या बताऊंगा। आपके देश की रीत आप मुझे बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। लोग जुमे के खुतबे में आमीन ऊंचा कह सकते हैं, इसका वही हुक्म है जो नमाज का हुक्म है, वही खुतबे का हुक्म। जो लोग आमीन बिल जहर के नमाज में कायल है, वो नमाज में दीगर जगहों में भी और नमाज से बाहर भी गहरन आमीन कहते हैं। और जो नमाज में सिरन आमीन कहना अफजल जिनका मतलब है, वो नमाज में दूसरी जगह नमाज से बाहर भी सिरन आमीन कहना अफजल है। देखो ये मसला अच्छी तरह समझो, इसमें गड़बड़ चल रही है। नमाज में बोलना जाइए खुद पे भी बोलना जाइए, नमाज के जरूर क्या काफी खुतबा मिन वजहिन नमाज है, मिन वजहिन बाहिर है। तो अब बिल्कुल बाहिर मसलन तबलीगी जमात में दुआ हो रही है, वहां आमीन जहरन कहनी चाहिए सिरन कहनी चाहिए। मस्जिद में फर्ज नमाजों के बाद या किसी भी नमाज के बाद में दुआ हो रही है, वहां आमीन जहरन कहनी चाहिए या सिरन कहनी चाहिए। बारिश नहीं हो रही या बारिश ज्यादा हो रही है या कोई और आफत आई हुई है उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ हो रही है, तो आमीन जोर से कहनी चाहिए, आहिस्ता कहनी चाहिए। दुआएं कुनूत पढ़ी जा रही है, कौन सी कुनूत नाज़िला, कोई हादसा हुआ है उसकी वजह से कुनूत नाज़िला इमाम पढ़ रहा है, तो मुक्तदी आमीन जहरन कहेंगे सिरन कहेंगे, ये सब शक्लें हैं। इन सब के लिए मसला एक, जो हजरात नमाज में जहरन आमीन कहना अफजल कहते हैं वो सब जगह जहरन अफजल कहते हैं, और जो नमाज में सूरह फातिहा में के बाद आमीन सिरन कहना अफजल कहते हैं वो सब जगह यही कहते हैं। इसकी नजीर नमाज में जो रफाए देन को सुन्नत कहते हैं, वो जनाजे में भी रफाए देन को सुन्नत कहते हैं। जिनके यहाँ नमाज में रफाए देन सुन्नत है उनके यहाँ जनाजे में चारों तकबीरों को रफाए देन है, और जिनके यहाँ नमाज में रफाए देन नहीं है उनके जनाजे में भी रफाए देन नहीं। ये सब एक तरह के अहकाम सब जगह जाते हैं। तो आमीन सिरन और जहरन जो इख्तिलाफ अइमा में सूरह फातिहा नमाज में सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन कहने में जो इख्तिलाफ हुआ है अफजल और गैर अफजल का, वही इख्तिलाफ सब जगह के असल मसला तो ये। मैं एक मरतबा दिल्ली में गया एक मस्जिद में, मदरसा भी नहीं आया, ठहरता हूँ मैं। मैंने फजर की नमाज वहां पढ़ी तो वहां इमाम ने कुनूत नाज़िला पढ़ी, उस वक्त तो कोई वाकया पेश आया था, मालूम नहीं क्या पेश आया। तो अब वहां सारे इमाम मुक्तदी सारे हनफी है, तालिबे इल्म है, जिन इमाम ने कुनूत नाज़िला पढ़ी तो सब आमीन जहरन कह रहे हैं, जैसे यहाँ हमारी मस्जिद में फातिहा पर कुछ हजरात जहरन आमीन कहते हैं इसी तरह से जहरन कहते हैं।
मैंने नमाज के बाद उनसे कहा तो फिर अल्लाह के बंदे जो कुनूत नाजिला में तुम जैसा नामीन कह रहे हो तो फिर फातिहा में क्यों झगड़ते हो? फातिहा का सबक तो जब आता है बुखारी की मिली में तो घंटों उसके ऊपर व्यस्त करते हो और वो वहां तो अक्सर का आहिस्ता कहना और उसी नमाज में कुनूत नाजिला में तुम सब जहरन कह रहे हो। ये दो रूखी बात है, मसला न जानने की बात है। लोग ये समझते हैं कि मसला सिर्फ फातिहा के लिए है, वो फातिहा के लिए नहीं, वो तो पूरे के लिए। और इससे ज्यादा जब तबलीगी जमात का जलसा होता है और दुआ होती है तो इतनी आमीन गिर जाते हैं लोग के कान पड़ी सुनने सुनाई नहीं देती। दुआ करने वाला क्या दुआ करता है यही नहीं पता चलता, इतनी चिल्लाते हैं आमीन। ये क्या बात होगी? अगर जब ये आमीन जोर से कहना मुश्ताब है तो नमाज का फातिहा में क्यों झगड़ते हो? जहां जो वहां अफजल है वही यहां भी अफजल है। इसी तरह से नमाज खत्म हो गई, इमाम साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की, करनी नहीं, दुआ पढ़नी शुरू की, जहां इमाम साहब का सांस टूटा कि सबने कहा आमीन जोर से, वही यहां आमीन जोर से कहते अलहमदुलिल्लाह क्यों नहीं कहते? सबसे पहले तो मसला अलहमदो के बाद का है, ये सब गड़बड़ चल रही और इतनी सूरत हाल खराब हो गई है कि उसे सही करना भी किसी के बस का नहीं रहता। आज लोगों को तुम समझाओ और रोको तो उन पर काबू पाना भी बड़ा मुश्किल। बाकी अहनाफ के यहां आमीन सिर्रम कहना अफजल है, इसलिए कि आमीन दुआ है, आमीन एक दुआ है और दुआ के लिए दुआ के आदाब में से सिर्रम कहना जरूरत के वक्त में दुआ में जहर किया है, बेजरूरत दुआ में जहर नहीं किया है। कभी जरूरत होती है जरूरत के लिए दुआ में जहर कर, कभी जरूरत होती मतलब कोई इज्तिमाई मौका होता है एक ही मकसद को लेकर सबको दुआ करनी, तो फिर हर आदमी अलग अलग दुआ करे। इससे बेहतर यह है कि जो सब में कौम में सबसे अच्छा हो वो जहरन दुआ करे और सब उसकी दुआ पर आमीन करें, कहें कि सबका एक ही मकसद। हदीस शरीफ में वाकया है, एक मरतबा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में तहत सा बारिश की हुई, हजरत उमर तशरीफ ले गए बाहर ईदगाह में, उस जमाने में ईदगाह कोई जगह नहीं थी, वह ऐसे मैदान था, वहां जाकर के हजरत ने नमाज पढ़ाई दोहर का, फिर उसके बाद में लोगों से खिताब किया और ये कहा जैसा उस मौके पर होता है कि अभी तौबा करो, अपने गुनाहों को उनकी बख्शिश चाहो, अल्लाह ताला से बारिश तलब करो, जो हिदायत करनी हिदायत थी। उसके बाद आखिर का फरमाया का ए अल्लाह, जब तेरे हबीब दुनिया में मौजूद थे तो हम उनके जरिए से दुआ करवाया करते, तो हम मैं सबने अफजल थे, तो अल्लाह के रसूल ने कायनात के सरदार, आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। अलबत्ता उनके चचा मौजूद है, उस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में थे तो कहा कि उनके चचा मौजूद हैं, लिहाजा हम उनके चचा से दुआ करवाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बरकत से हमें बारिश इनायत करें। और फिर हजरत अब्बास को आगे बढ़ाया, जाकर मिंबर को खड़ा किया और उन्होंने दुआ की और सारे मजमे ने आमीन। ये हकीकत है उस हदीस वाक्य जो ये तवस्सुल वाले कहते हैं कि अगर मुर्दे का तवस्सुल होता तो हुजूर का तवस्सुल हजरत उमर ने क्यों नहीं किया, हजरत अब्बास का तवस्सुल क्यों किया, मुद्दे का तवस्सुल जायज नहीं, वो हदीस ही लोग सही नहीं जानते। और ये जो मैंने हदीस बयान की है बुखारी शरीफ की शराह है, उन बुखारी अल्लामा आइनी की, उस अल्लामा आइनी की शराह ये पूरी रिवायत मुफस्सल मौजूद है, यूं जैसा मैंने बयान किया। फिर वो आए हजरत अब्बास, उन्होंने क्या दुआ मांगी वो भी वहां, और उनकी दुआ पर लोगों ने आमीन कहा। तो वो जो तवस्सुल है वो दुआ करवाने के माने, तो हुजूर जब तक थे हुजूर से दुआ करवाते थे, अब हुजूर नहीं है तो किसी जिंदाई से भी दुआ करवाएंगे। और वो जो तवस्सुल का मसला है, वसीले का मसला है, वो मसला और है, ये अजीब और है।
अगर ऐसा कोई मौका हो तो उस वक्त में एक आदमी दुआ करेगा, बाकी सारा मजमा उस पर आमिन रहेगा। वो आदमी कौन होना चाहिए? अफजल, बेहतर आदमी, और उसको दुआ मांगना भी आता। दुआ मांगना भी देगा अल्लाह ताला से, मांगना हरेक के बस का काम नहीं। तो अमल के एतबार से मजमे में बेहतर हो और दुआ मांगना भी उसे आता हो तो ऐसे मौके पर जहरन दुआ होगी और सब उस पर आमिन। बाकी हर जगह पर दुआ में सिर अफजल है, आहिस्ता दुआ करना अफजल है, इसलिए आमीन एक दुआ है। और दुआ के बारे में कुरान करीम में है, उद्उ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, पुकारो तुम्हारे परवरदिगार को जब ये बात तय होगी। एक बात जहन में आ रही है दूसरी, बस जब ये बात तय हो गई तो अगर किसी जगह पर दुआ सिरन हो रही है तो आप नहीं पूछेंगे वाय वाय नहीं पूछेंगे, सिरन तो असल है। हाँ, किसी जगह पर हुक्म दिया कि जहरन दुआ करो तो आप पूछेंगे वाय, जो खिलाफ है असल हो वहां पूछेंगे वाय, लेकिन जो असल के मुताबिक है वहां नहीं पूछेंगे वाय। वो तो असल है, वो तो नहीं। इस वक्त मौके पर एक दूसरी बात जहन में आ रही है, जो लोगों का जहन बहुत परेशान किए हुए है और उनको जवाब लोग देते हैं और उनको दहशत भी नहीं होती है, उसको समझो अच्छी तरह से। लोग ये समझ कहते हैं कि ये दो नमाजें खामोश क्यों पड़ी है, जोहर और असर की दो नमाजें खामोश क्यों पड़ी है? इसका जवाब दिया जाता है इनको दहशत भी नहीं होती। दर हकीकत ये सवाल ही गलत, ये दो नमाजें खामोश क्यों पढ़ी जाती? सवाल ये करना है कि तीन नमाजें लाउड क्यों पढ़ी जाती? मगरिब, इशा और फजर ये जोर से पढ़ी जाती है, ये क्यों पढ़ी जाती है ये पूछो। ये तीन खामोश क्यों पढ़ी जाते हैं ये पूछना बेकार गलत है। नमाज तो सारी साइलेंट है, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा से लेकर के अस्सलाम वालेकुम सब जगह साइलेंट। आप अपने घर में सुन्नत पढ़ते हैं, नफले पढ़ते हैं, दूसरी फर्ज पढ़ते हैं, आप अकेले कोई चीज जहरन करते हैं नहीं करते, नमाज तो वही साइलेंट है। क्योंकि नमाज का ये अरबी में लफ्ज है सवाब, सवाब के माने ही दुआ है, और दुआ में असल खामोश ये है। तो वह ये दुआ का पहलू है वो नमाज में, लिहाजा पूरी नमाज तो साइलेंट ही रहेगी। हाँ, इमाम तकबीरात-ए-इंतकालिया जोर से कहता है, आप पूछेंगे वह, उसका जवाब दिया जाएगा कि भाई चूंकि एक गैदरिंग है और सब मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम तकबीरात-ए-इंतकालिया जहरन कहेगा तभी तो उसकी जमात उसके मुक्तदी उसके साथ साथ इंतकाल करेंगे। अगर इमाम सिरन कहेगा तो मुक्तदियों को क्या पता चलेगा, सैकड़ों बराबर बड़ी जमात है उन्हें क्या पता चला इमाम ने रुकू में है इमाम सजदे में। इसलिए फकत इमाम जहरन तकबीराती इंतकाल यह कहता है ताकि लोगों को पता चले और वो उसके साथ साथ इंतकाल करें। मुक्तदियों में मुक्तदियों में कोई तकबीरा जहरन नहीं कहेगा, लेकिन जरूरत पड़े तो कहेगा। पुराने जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, बड़े बड़े मजमे थे, मुकर्रिम में मुकब्बिल मुकर्रर किए जाते थे जो जहरन कहते थे। अब कोई कहे कि सारे तो आहिस्ता कह रहे हैं, चार आदमी क्यों जहरन कह रहे हैं? जरूरत आगे जरूरत जहां जहां जरूरत हो। बाजा बाजा हमारी नमाज में भी रुक में जा अल्लाह को इतना अल्लाह को कहता कि इधर वाला भी सुनता है, इधर वाला भी सुनता, उसके ऊपर भी सुनता, उससे लेफ्ट भी सुनता, सजदे में क्या पढ़ रहा है वो भी जोर से कहता है। और वो ये नहीं ख्याल करता कि मेरे दाएं बाएं का क्या होगा, वो तो अपनी हैबिट के मुताबिक जोर से कहता है, दाएं बाएं वाला बेचारा बोलता है। ये गलत, दो एतबार से गलत है। एक तो साथियों को परेशान करना, दाएं बाएं वालों को परेशान करना, इस एतबार से गलत है। दूसरे इस एतबार से कि रुकू सजदा तकबीरात उसकी तस्बीहात दुआएं ये सब साइलेंट है, सिरन है, ये क्यों जहरन कह रहे हैं? सारी मस्जिद से आहिस्ता कह रही, यही सुन्नत है। ये जो एक आदमी जोर जोर से अल्लाह अकबर कह रहा है, सुभान अल्लाह ये सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, वो समझता है मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं, हालांकि वो सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जैसे
ये सवाल पैदा हुआ कि सारी मस्जिद जो है तकबीरात इंतकाल ये आज तक कह रही इमाम साहब अकेले जोर से क्यों कह रहे हैं। अब इसी तरीके से यहां सवाल करेंगे कि जब नमाज में हर चीज साइलेंट है तो ये तीन नमाजों में इमाम जोर से पाकिया सूरत क्यों पड़ता है, ये सवाल करो। लोग उल्टा सवाल करते हैं कि असर और मां जोहर और असर में इमाम आज तक क्यों पड़ता है, ये वो गरीब बात, ये तो असल है, इस पर क्या सवाल आएगा है, ये जो उसके वर्ग के लाभ है जाते यहां पूछ उसका जवाब देंगे। जैसा जवाब दिया था कि इमाम तकबीरात इंतकाल या जोर से इसलिए पड़ता है कि लोगों को पता चले उसके साथ, इसी तरह से अब ये कहेंगे कि देखो कुरान करीम में नमाज में जो खास मकसद है वो है अल्लाह की बारगाह में हिदायत की दरख्वास्त पेश करना और अल्लाह की तरफ से जो उसका जवाब आए उसे सुनना। नमाज चाहे अकेला हो जमात हो हर एक के यहाँ ही है, जब जमात की नमाज है तो अब हर शख्स पूरी जमात में से हर शख्स दरख्वास्त पेश करे इसके बजाय सबकी तरफ से नुमाइंदा होकर के इमाम पेश कर दे, फिर अल्लाह की तरफ से जो उसका जवाब आए बशक्ल कुरान उसे इमाम पढ़कर मुक्तदियों को सुना दे। ये एक जरूरत है नमाज का, जो असल मकसद और हिकमत असल तो इबादत असल तो बंदगी, लेकिन उसका ये मकसद ये भी है कि अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त दी जाए उसका जवाब सुना जाए। तो इमाम जमात से नमाज पढ़ी जा रही है तो इमाम दरख्वास्त भी पेश करता है, सब लोग खामोश रह करके आमीन कहते हैं, फिर उधर से जो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है वो भी इमाम सुनाता है। अब सवाल पैदा होगा कि ये जो जरूरत है दरख्वास्त पेश करने की और जवाब सुनाने की, ये जरूरत तो जोहर असर में भी वहां क्यों नहीं है जोर से पढ़ता और सुनाता। हाँ अब सवाल का सही जगह आया, लेकिन आप शुरू से सवाल करें इनके बारे में जो गलत है, इस तो आपने जो बात तो एक ही मिनट बात एक नहीं हुई, पहले आपका एक जहन बन गया कि असल नमाजों में साइलेंट पढ़ना है, जोर से पढ़ना एक जरूरत, ये जरूरत इन दो नमाजों में पाई जाती है, दो नमाजों में भी पाई जाती है, फिर जोर से क्यों नहीं पढ़ा जाता। अब जवाब समझना आसान हो जाएगा, आप जवाब के जहन को मुतमीन करेगा और पहले से आप यूं लेकर चलें तो भाई तीन नमाजें जोर से पढ़ी जाती है, दो आज तक क्यों पढ़ी जाती है, आपके ध्यान में बात रखी हुई है कि जोर से पढ़ना असल, अब ये आहिस्ता क्यों पढ़ी जाती है इसका जवाब तक जाएंगे आपका ध्यान कबूल ही नहीं करेगा और ध्यान में मुझे तशक्की नहीं होगी, क्योंकि ध्यान में ये बात कह गई है कि जोर से पढ़ना असल है, इसको पहले ध्यान से हटाओ, पहले कायदा ध्यान तैयार करो कि नहीं नमाज में आहिस्ता पढ़ना असल है, हर चीज आहिस्ता पढ़ना असल है, क्योंकि वो दुआ और दुआ में आहिस्ता पढ़ना जो है ये अफजल है, जहां जरूरत है जिन चीजों में जरूरत है वो जोर से कही जाती है, जैसे तकबीरात इंतकाल इमाम जोर से कहता है और देर जो है तीन नमाजों में इमाम अल्लाह के लिए दरख्वास्त पेश करता है जवाब लोगों को सुनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि इन दो में भी तो जरूरत है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब कुद्दुसासी लोगों ने कुद्दतुल्लाह बालेगा में इसकी वजह ये बयान की, हजरत ने फरमाया कि दिन का वक्त शोर व शगब का वक्त है, कि मैं इसको बयान करते हुए मुझे तकल्लुफ हो रहा था, आप लोग कैसे समझेंगे आपका मुल्क है जो मुर्दों का मुल्क है, आपका जो मुल्क है ये तो मुर्दों का मुल्क है, या तो आपको देखने कोई आवाज नहीं, इसलिए आप ये बात कैसे सुनेंगे, ये बात आओ बॉम्बे में दिल्ली में जो मार्केटों में नमाजें हैं वहां पढ़ोगे पता चलेगा, बॉम्बे में जो बड़ी मार्केटों में मस्जिदें हैं रोड पर, दिल्ली में जो बड़ी मार्केटों में रोड पर मस्जिदें हैं वहां जाओ कितना शोर और हंगामा है, वहां मस्जिद में नमाज पढ़ोगे नहीं इमाम क्या कह रहा है ये भी नहीं सुनाई। तो हजरत शाह साहब कुद्दुसा के लोगों ने फरमाया कि दिन का वक्त शोर व शगब का वक्त, लाड़ी विगत उस वक्त थे, उस वक्त अगर इमाम जोर से पढ़कर पढ़ेगा तो मुक्तदियों को सुनाना ही मुश्किल, और रात का वक्त खामोशी खामोशी का वक्त है, बाजार बंद हो गए, मार्केट बंद हो गई, लोगों की भीड़ भाड़ खत्म हो गई, शोर शोर खत्म हो गए, अब इमाम जोर से पड़ेगा तो जहां तक मजमा है सुनाई देगा, दिन में अगर हजार आदमियों का मजमुआ होगा तब भी इमाम नहीं सुना सकता, तकबीरों में तो ये इंतजाम कर दिया है कि मुकम्मल तकबीर कर ले, लेकिन फिर आदमी थोड़ा इंतजाम होगा कि इमाम ये गायत यहाँ पड़े अगला वहां पड़े अगला वहां पड़े, ये तो नहीं बनेगा,
और मजमे को आवाज जिनमें नहीं पहुंचाई जा सकती, आम तौर पर जो मजमे होते हैं जिनमें आवाजें नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, फिर जोर से पढ़ने से फायदा किया, एक दो शब्दों ने सुना बाकी तो नहीं सुना। इसलिए दिन की ये दो नमाजें जो शोर शगब के वक्त में है इनमें जोर से नहीं पढ़ा जाता, और रात का जो वक्त कारोबार बंद हो गए, शोर शगब खत्म हो गया, अब जोर से पढ़ा जाएगा तो सारे मजमे को सुनाया जाएगा। तो वह दिन में जो दो नमाजें खामोश पढ़ी जाती है शोर शगब का टाइम होने की वजह से खामोश पड़ी जाती, वरना जो जरूरत रात में है वो सब तीन दो नमाजों में भी, इमाम जो दरख्वास्त पेश कर रहा है उसका जो जवाब आ रहा है वो दरख्वास्त पेश करे जवाब सुनाए, मगर ये दो शोर शगब का वक्त है। इसलिए हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा लोगों ने कि ज़ोहर और असर में है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़िरात करते थे? हज़रत अम्मार ने कहा जी ना करते। तो पूछने वालों ने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चलता था कि हुज़ूर क़िरात करते? तो हजरत अम्मार ने कहा कि हम देखते थे कि हुज़ूर की दाढ़ी हिल रही, उससे हम अंदाजा करते थे कि हुज़ूर पढ़ रहे। देखो इस हदीस से दो तीन बातें निकली, एक तो कि ज़ोहर और असर में भी क़िरात है, सिर्रत है। दूसरी बात ये निकली जो मतलब मैंने बताया था कि पढ़ने का कम से कम दर्जा तस्कीह हुरूफ है, जुबान होंठ गिरे खुले, जुबान उठे मखरजों पर लगे और हुरूफ की अदायगी हो, इस तरह से जुबान लगे कि मखरजों पर हुरूफ की अदायगी होगी, दाढ़ी मिले तो होंठ बंद है पढ़ रहा है, यानी मन में पढ़ रहा, ये पढ़ना नहीं है इसे नमाज नहीं होती। देखो ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में भी हुज़ूर जो पढ़ रहे हैं तो दाढ़ी हिल रही। तीसरा मसला इससे निकला कि हुज़ूर की दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो पढ़ने से हिलती थी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बस इतनी दाढ़ी रख लो कि देखने में ऐसा मालूम हो कि इसने इसकी दाढ़ी है, ऐसा नहीं है कि दो चार दिन से शेव नहीं किए, ऐसा ना महसूस ये मौदूदी साहब ने लिखा है, इसकी दाढ़ी काफी है कि देखने में मालूम अब इसकी दाढ़ी है, ऐसा नहीं है कि तीन चार दिन हो गए शेव करने का मौका नहीं मिला इसलिए बाल बड़े हो गए, ऐसा ना हो, बल्कि वाकई में दाढ़ी रखी हुई थी। इसको कहते हैं खशखशी दाढ़ी, मौदूदी साहब कहते हैं इतनी दाढ़ी का ये किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत ये है नहीं, इतनी दाढ़ी काफी है तो किसकी सुन्नत है? मौजूदी साहब ये किसकी सुन्नत पर मुसलमानों को डालना चाहते हैं? हुजूर की सुन्नत ये है नहीं, हुजूर की सुन्नत ये है कि जब हुजूर पढ़ रहे हैं तो दाढ़ी मुबारक हिल गई, ऐसी दाढ़ी खशखशी ये कोई पढ़ने से थोड़ी हिलेगी, हिलेगी तो जबड़ा हिलेगा, जबड़ा हिलेगा वो बाल थोड़े हिलेंगे, बाल जो हिलेंगे वो लंबी दाढ़ी होगी जब ही हिले, तो हुजूर की सुन्नत तो ये है। और मौजूदी साहब किसकी सुन्नत पर उम्मत को ले जा रहे हैं? दूसरी आयत करीमा अभी पढ़ी गई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर पर गए थे तो पीछे बनी इसराइल ने बछड़ा बनाया था देवरों का, पूजना शुरू कर दिया था। जब हजरत तशरीफ लाए थे तो हजरत ने हजरत हारून को डांटा, अरे या हारून मा मना का इब्राहिम कहूं बल्लू अल्लाह तक कबिया है। हुआ ये था कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया था कि तुम बनी इसराइल को लेकर तूर पर आओ, वहां तुम्हें तौरात दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम की कमान सौंपी और यह कहा कि तुम पूरी कौम लेकर आओ, मैं अकेला जल्दी जाता हूं, अकेला आदमी जल्दी सफर करता है, पूरी कौम को लेकर चलना ज्यादा देर लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुर पर चले गए, पीछे उन्होंने गौशाला बनाया बछड़ा बनाया और वो सब गुमराह हुए, लेकिन ये सारे गुमराह नहीं हुए, उनमें बड़ी तादाद अच्छी खासी तादाद सही रास्ते पर है, बहुत से लोग गुमराह हुए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ये कुछ लोग गुमराह हो गए हैं तो तुम उन्हें छोड़कर जो बकरिया राह रास्ते पर थे उनको लेकर के तुम तुर पर मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं आए, तुमने मेरे हुक्मों के खिलाफ वर्जी की। और ये बात डाटा उन्होंने एक हाथ से सर के बाल पकड़ रखे हैं एक हाथ से दाढ़ी पकड़ रखे गुस्से में, अरे हारून ने अर्ज किया यबना उम्मा ला ताखुद बिरासी
حضرت نے فرمایا عرض کیا کہ بھائی جان میرا سر اور میرے داڑھی نہ پکڑا, میں اس لیے تور پر نہیں آیا اور یہاں کہہ رہا تھا کہ میں اگر مومنین کو لے کر تور پر آتے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے کر دیے. بہر آئے پوری سر میرا سر ذرا پکڑ کے کوئی دکھائے کیسے پکڑے گئے کیا ہاتھ میں آئے. تو اگر ایسی ہی داڑھی بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی ہے, سر کے بال اتنے ہیں, ایک ہاتھ سے انہیں پکڑ رکھا, ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی. لہذا یہ جو خیال ہے مودودی صاحب کا اتنی داڑھی ہو تو وہ اسلامی احکام کے تقاضے پورے کرتا ہے اور سنت پر عمل ہو جاتا ہے, یہ غلط ہے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی داڑھی بڑھتی چلی جائے بڑھتی جا رہی تو ناک تک جائے تو ناک تک جانے, یہ بھی غلط ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ایک ہے ان کی ہے. حدیثوں میں یہ ہے مونچھیں پست کرو, داڑھی چھوڑو, داڑھی بڑھاؤ, یہ تو حدیث حدیث کو تو وہ لیتے ہیں, لیکن حدیث کے بعد صحابہ کی وہ کوئی حیثیت نہیں بتا دیتے. صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان اہل حدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جماعت اسلامی کے یہاں بھی صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں. جماعت اسلامی کا تو مشہور دستور اساسی میں اس کے یہ قاعدہ یہ دفاع ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کی جائے گی. صحابہ کی حیثیت عام امت جیسی ہوگی, یہ عام امت کی بھی وہ معیار حق نہیں, ان کی بات ماننا ضروری نہیں, صحابہ کی بات میں ماننا ضروری ہے. تو صحابہ کی جماعت اسلامی کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں, اور اہل حدیث کے مذہب کی بنا ہی اس پر ہے کہ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں حجت ہیں, اس سے نیچے کوئی چیز حجت ہے ہی نہیں. صحابہ کے جو اجماعی حجت ہیں وہ بھی حجت ہیں. تو جن کا مذہب یہ ہے ان کا یہ مسلک ہے, بڑھنے سے جتنی بڑھے. حضور نے فرمایا ہے مجھے پست کرو, داڑھی بڑھاؤ, داڑھی چھوڑو, داڑھی کو تو اسلامی احکام کے تقاضے پورے کرتا ہے اور سنت وہ اپنے وہاں کون سا بول منچے سرائے تمبور ہے منچے سرائے. جبکہ حدیث شریف میں یہ ترمذی شریف میں جو آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج میں تشریف لے گئے اور جو حج کا احرام کھولا تو انہوں نے اپنی داڑھی مٹھی میں لے کر اس سے زائد کٹوائی. یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داڑھی کی لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے کاٹا کرتے تھے لیا کرتے. اب یہ حضرت ابن عمر کا عمل ہے اور عمل نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بھی یہ کام کیا کرتے تھے, مگر یہ حضور بھی یہ کیا کرتے تھے تو حدیث ہو گئی, مگر یہ غیر مقلدین اسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ حدیث ابن عمر کے عمل کے ساتھ آئی, زیادہ یہ رکھا گیا. عجیب و غریب قوم نہیں ہے, بس کیونکہ ابن عمر کا یہ عمل ہے تو صحابہ کا عمل تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. حالانکہ صحابہ کا عمل نہیں ہے, وہ آگے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور بھی اسی طرح سے لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے لیا کرتے. لمبائی میں سے لینا ایک مٹھی بھری ہے اور جائی دیکھا ہے, چوڑائی میں سے لینا ہے کہ ادھر مٹھی بھری ہے اور ادھر جو جائی دیکھا ہے, ادھر مٹھی بھری ہے اور ادھر جو جائی ہوگا. بعض لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں, وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی سر پہ بال رکھے کوئی سر پہ بال نہ رکھے, دونوں باتیں سیم ہیں. یہ مولوی داڑھی کے پیچھے کیوں کرو؟
दाढ़ी 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 क्या मुसीबत है, सबके बाल में रखो तो मेरे आपको। इसका जवाब ये है कि इंसान के जिस्म में तीन किस्म के बाल है, सुनो इसे अच्छी तरह, इंसान के जिस्म में तीन किस्म के बाल है। ये वो बाल है जिनको काटना जरूरी है, पर आप ज्यादा से ज्यादा 40 दिन पूरे होने से पहले उन्हें काटना जरूरी है, नहीं काटोगे गुनेगार, और गुनेगार हो गए और उस हालत में नवाजी मकरू। वो बाल दो है, बगल के बाल और नाक के नीचे के बाल, ये दो बाल वो है इनका काटना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप 15 दिन में एक मर्तबा बगल और जेरे नाक काटा करते, नाखून भी काटा करते थे, मेरे नाक भी काटा करते थे, बगल भी काटा करते। मुझे कितने दिन में आप काटा करते थे उसका तज़किरा मुझे कहीं नहीं मिला। बगल, जेरे नाक और नाखून ये तो 15 दिन में काटते, इसका तो रिवायत में जिक्र है, लेकिन मुझे कितने दिन में काटते थे इसका जिक्र की रिवायत में नहीं। बहरहाल ये बुजुर्ग की सुन्नत है। और दूसरी मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि ये चार चीजें अब चार हो गई, बगल, नाखून, मेरे नाक और मुझ, इसको ज्यादा से ज्यादा 40 दिन पूरे होने से पहले पहले काटना जरूरी है। 40 दिन पूरे हो गए और ऊपर गए और मुझ नहीं काटी, बगल नहीं काटा, नाखून नहीं काटे, जेरे नाक नहीं काटे, तो मकरू देहरी में है, गुनहगार होगा और अब उसकी नमाज मकरू। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के अंदर काटना जरूरी है, लेकिन हुजूर कम से कम भी इतने दिन में काटते थे इसका किसी रिवायत में जिक्र नहीं पड़ा। लिहाजा आदमी की अपनी मर्जी, दूसरे बाल इसके मुकाबले जिन्हें रखना जरूरी है, इनको आप काट नहीं सकते। वो बाल कौन से हैं जो आदमी की शक्ल बिगाड़ देते, जो आदमी की शक्ल बिगाड़ देते हैं जिनके काटने से, जिससे मुसला बन जाता है, आदमी की शक्ल बिगड़ जाती है, उन बालों का बालों का काटना हराम है। ये भवें काट डालना, ये पलके काट डालना, ये दाढ़ी काट डालना, इससे शक्ल बिगड़ती, मुसला बनता है। भवों काट डालने से, पलके काट डालने से शक्ल बिगड़ती है, इसको तो हर आदमी मानेगा, लेकिन दाढ़ी काटने से शक्ल बिगड़ती इसको लोग नहीं मानेंगे, वो कहते हैं दाढ़ी काटने से शक्ल शानदार होती। तो ये मसला हकीकत नक्कू वाला है, वो एक मुल्क में सब नक्के किसी के नाक की, वहां एक नाक वाला पहुंच गया, तो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू आया, वहां नाक बोला है वो हो गए, क्योंकि सारे नक्के थे। तो जहां सारी ही बेदाड़ी हो, हिजड़े हो, वहां अगर कोई किसी की समझ में ना आए तो ना आए, वो डीजी बात। लेकिन अगर बाकी और करो तो जैसा भवे मुंडने से शक्ल बिगड़ती है, पलके मुंडने से शक्ल बिगड़ती है, दाढ़ी मुंडने से, मूछे बढ़ाने से भी शक्ल बिगड़ती है। इसकी नजीर ऐसी है जैसे शानदार लिबास में नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान में हुजूर जी ने तो कुल्ले मस्जिद, बाल लोग कहते हैं कि इस जमाने में नंगे सर रहना ये शानदार है, फैशन है, इसी को पसंद किया जाता है, सर के ऊपर टोपी पहनने को इस जमाने में अच्छा नहीं समझा जाता, लिहाजा इसी हाथ में नमाज पढ़ो। इसका जवाब ये है कि ये खुले सर रहना ये अच्छा समझा जाता है कौन सी सोसाइटी में, काफिरों की सोसाइटी में या मुसलमानों की सोसाइटी में, कौन से कल्चर में, इस्लामी कल्चर में या गैरों के कल्चर में। लेकिन इस्लामी कल्चर में नंगे से रहना क्यों अच्छा नहीं समझा जाता, वो भी जब किसी बुजुर्ग के पास जाता है जो कभी टोपी नहीं पहनता, वो भी दस्ती धुआं निकल के बांध करके जाता है, इसका मतलब कि इस्लामी कल्चर में ये खुले से रहना ठीक नहीं समझी जाती। तो नमाज आप इस्लामी कल्चर में पढ़ेंगे या वेस्टर्न कल्चर में पढ़ेंगे, इस्लामी कल्चर में पढ़ेंगे, इस्लामी लिबास और इस्लामी कल्चर में सर का छुपाना आला दर्जा, एक मुसाफा वाहन को भी पहनो मुसाफा वाहन तो आला दर्जा, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम टोपी पहनो। नंगे सर होना, नंगे सर तो बैतुल खला में जाना ठीक नहीं, नंगे सर तो बैतुल खला में जाना ठीक नहीं, और नंगे सर नमाज पढ़ना कहां से ठीक होगी। तो
जैसा वो सपना समझा जाता है इस्लामी तहजीब और गैर इस्लामी तहजीब, इसी तरह से मुआशरा कौन सा है, सारे गाड़ी रखे हुए हैं। अब अगर एक गाड़ी मुंडे का शक्ल बिगड़ी हुई नजर आए और सारे बेटा ही वहां गाड़ी वाला शक्ल बिगड़ी हुई नजर आए, इसलिए ये इस काल को ध्यान से हटा दो। बाकी जो यहूदी बालों में से है, गांव के बाल हैं, फलक के बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, इनका रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको नहीं रखा जाएगा तो शक्ल बिगड़ जाए। शक्ल यही फेस, फेस में जो बाल हैं वही शक्ल बिगड़ते। उसके अलावा एक दूसरी वजह है, वो दूसरी वजह यह है कि ये दाढ़ी का बड़ा हुआ होना और मूंछों का कम से कम पस्त हो जाना होना, ये इस्लामी मुसलमान की आइडेंटिटी, मुसलमान की शनाख्त, मुसलमान की पहचान है। फौरन देखने में पता चलेगा मुसलमान। मेरे भाइयों, या किल्लतुल मुस्लिमीन, आज दुनिया में इतने कम मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान ही नहीं। आप टोरंटो में घूम लीजिए, आपको कोई मुसलमान कहीं नजर नहीं है, और बस में एक सिख होगा पूरी बस में अलग नजर आएगा, सरदार होंगे, और उसी बस में 10 मुसलमान बैठे हुए हैं, बताइए। सड़क पर एक सिख चल रहा होगा तो जहां तक इधर से इधर नजर पाते 11 आदमी बस बता दिए, और उसी सड़क पर सैकड़ों मुसलमान जा रहे हैं, कोई भी नजर नहीं है। ये तो इस्लाम मुसलमान की पहचान है। दाढ़ी और भी रखते, साधु भी रखते, वो दाढ़ी भी रखते, नीचे भी रखते, सिख भी रखते, वो दाढ़ी भी रखते, तो मूछ भी रखते हैं, फिर दाढ़ी रखते वो खास अंदाज से बांधते, यहूदी भी दाढ़ी रखते, वो दाढ़ी रखते तो मूछ भी रखते। इस्लाम की मुसलमान की दाढ़ी मुमताज होती, वो मुमताज कैसे होगी, मूछे कटी हुई होंगी, कम से कम होंगी, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी और एक मुश्त पर जाकर कट जाए। सिखों की दाढ़ी एक मुश्त पर नहीं कटेगी, साधुओं की दाढ़ी एक मुश्त पर नहीं कटेगी, यहूदियों की दाढ़ी एक मुश्त पर नहीं कटेगी, दूसरे जो लोग बहुत रखते हैं वो एक मुश्त पर दाढ़ी नहीं काटते, मुसलमान की दाढ़ी एक मुश्त पर कटेगी, मुझे नहीं होंगी, देखते ही पता चल जाएगा। तो इसी दाढ़ी ही से तो मुसलमान पहचाना जाता है। बाकी रिवाज में दूसरा चाहे खुला हो चाहे कभी कर जाए ना, देखो कुर्ता पहनो, शर्ट पहनो, पैंट पहनो, जीन पहनो, जो चाहे पहनो, यही तो एक जगह है जहां के इंसान मुसलमान पहचाना जाता है। आज वो भी आइडेंटिटी नहीं रही, हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है बजाने। बाद लोग कहते हैं गाड़ी नहीं है, हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी बजाना नहीं। अरे वो बजाने में है, किसने देखी, ऐसी वो साइन बोर्ड लगा के जिसे हर कोई देख सके, पता नहीं बात कहां से करते हैं। आपको याद नहीं, मुझे याद ना, तो बाल दो लिए बाल बता, तीसरे बाल वो है तो आपको इख्तियार है, आप रखते हैं क्या रखना और क्या चाहे निकालते ना निकाल, यह आप प्रभाव हमें इख्तियार हम चाहे रखे निकाल देना हो, कोई पीला लगा करके मुंह दे जाए निकाल, इमली के बाल सीने पर बाल निकलते, पीठ पर बाल निकलते हैं बाल दो, इन तमाम बालों के लिए मसला ये है कि इसको रखना रखो, जिसको निकालना हो निकालो। इसी जाते में आता है दाढ़ी के अलावा, दाढ़ी के अलावा गाल पर जो बाल और गले पर जो बाल, ये दाढ़ी में नहीं, दाढ़ी किसे कहते हैं, दाढ़ पर जो उठते हैं बाल वो दाढ़ी, अरबी में दाढ़ को कहते हैं लहिया, जबड़ा, एक जबड़ा ऊपर है एक जबड़ा नीचे, जो नीचे के जबड़े पर जो बाल उठते हैं वो दाढ़ी, और जबड़ा ये यहाँ दो खेतियां हैं, इन खेतियों से जबड़ा शुरू होता है, यानी इससे ऊपर जो है वो उत्तर है, जहां से खेती उभरा हुआ हड्डी है, इस उभरी हुई हड्डी से दाढ़ी शुरू हो, ये जबड़ा शुरू हो, ये जबड़े पर जितने बाल उठते हैं ये दाढ़ी, जबड़े से ऊपर गाल पर चले गए ये दाढ़ी नहीं, ये जबड़े से नीचे गले पर चले गए ये दाढ़ी नहीं। लिहाजा गले के बालों का और रुखसार के बालों का भी वही हुक्म है जो जिसम के सारे जिसम के बालों का हुक्म है, आप चाहे रखना चाहे रखें, चाहे काटना चाहे काटें, लेकिन इनको अगर एक मतलब काट लिया जाए तो भी बहुत परेशान करते हैं, बात सब तो हो जाते हैं, हर दो चार रोज में काटने पड़ते हैं, गले के भी चुभते हैं, तो सलामती इसी में है कि इनको हाकी न लगाए।
तो फिर वो परेशानी कुछ नहीं होती है। तो गले के बालों को भी हाथ में लगाया जाए, गले के बालों को भी और नुकसान के बालों को भी, तो वो अपनी परेशानी नहीं होगी। काटना शुरू करोगे काटना जाएगी तो कभी परेशानी खड़ी हो जाए। तीसरी किस्म के इंसान के जिस्म में वो बाल, लिहाजा ये कहना मुकदरा करने वाले का कि मुझे दाढ़ी के पीछे क्यों पड़ गए, सर पर भी तो बाल होते हैं, सीने पर भी तो बाल होते हैं, पीठ पर भी तो बाल होते हैं, बिजली पर भी तो बाल होते हैं, कलाई पर भी तो बाल होते हैं। इसका जवाब ये है कि तुम गलत सोच रहे हो। इंसान के जिस्म में तमाम बालों के अहकाम अलग अलग है, जो जहां खिलाफ वर्जी होगी वहां मसाइल बताए जाएंगे। सर के बाल हैं वहां जय रखो जय न रखो, लेकिन अगर कोई नाप नहीं घेरे नाप नहीं काटता है, बदन नहीं काटता है, तो उसका बार बार भी हम किया जाए। अगर किसी माशरे में लोग मेरे नाक नहीं काटते होंगे या ना बगल नहीं काटते होंगे, मालूम हो जाए कि यहाँ मुसलमान मेरे नाक नहीं काटते और बगल नहीं काटते, तो बार बार वो भी हम किया जाए। इसी तरह से दिन वालों का रखना जरूरी है। अगर किसी माशरे में लोग उसे काटते होंगे तो उनको बार बार भी हम किया जाए। लेकिन जो तीसरी किस्म के बाद में है कि चाहो रखो चाहते न रखो, उनको भी हम करने कोई जरूरत नहीं। कोई मसला पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। बेहैसियत हो गया इस वक्त में शरई दाढ़ी रखना, ये इस्लाम के काज को तकलीफ पहुंचाना है, ये भी इस्लाम की तशहीर करना है, इस्लाम को बढ़ाना है। इस वक्त में इसका डबल सवाल है दाढ़ी रखना, एक वाजिब है, और इसके अलावा इस जमाने में आज दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं है। इस्लामी मुल्कों में चले जाओगे तो वहां इसीलिए सारा मुल्क इस्लामी है, ये समझते हैं मुसलमान। बाकी देवबंद में इस्लामी देखते हैं, मेरा एक आदत जो भी आएगा मैं डॉक्टर सलाम करने की कोशिश करूँ। एक आदमी आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कितना मुसलमान है, यस हिंदू है, मुझे सलाम करूँगी ना, क्यों बोलूँ सलाम करता हूँ तो वो जवाब नहीं देता, या कहता साहिब जी मैं सब हिंदू, ऐसा बात मेरे साथ पेश आते रहते, कभी ऐसा नहीं होता हूँ मैं बगैर सलाम की उम्मत है वो सलाम करते, तो मुझे शायद जिंदगी होती है तो उसने सलाम किया और मैं पीछे रह गया, अगर मैं कैसे सलाम करता है, मैं उसे कह जाता है कि सफर में पाहा ऐसा होता है कि आदमी सीट पर बैठे हुआ मुड़ पर बैठे कई कई घंटों तक एक एक दिन तक, यही नहीं पता चलता कि मुसलमान या हिंदू। तो पूछना पड़ता है किसने मेरा नाम आपको, तो नाम बताएगा हिंदू, हम इस तरीके से उसको पहचानते हैं ताकि हम उसके साथ बातचीत करें तो हिंदू तरीके से या मुसलमान के तरीके। एक मरतबा राजधानी में सफर कर रहा बॉम्बे से दिल्ली, मेरी सीट के साथ नेक्स्ट सीट पे साथ बैठे हुए अधेड़ उम्र के नौजवान आदमी, अधेड़ उम्र के, सुबह से शाम तक मैं यही समझता रहा कि और मैं उसके साथ इसी तरह से बात करता रहा, मैं नमाज पढ़ता रहा करता रहा, मैं यही समझता रहा। खाना जब मैंने खाया मैंने तो मुझे दावत नहीं दी, मैं ये समझ। फिर शाम को उसने मुझे एक पर्चा निकाल के दिया और ये कहा कि ये दुआ जो है ये सही लिखी हुई है, मेरी बीवी ने लिखी। अरे मैंने पूछा मुसलमान है, और ये बड़ी शर्मा ने सुबह की शाम तक मुझे हिंदू समझता रहा, फिर उसने देखने की दुआ निकाली लिखी हुई है, दुआ सही लिखी हुई है, मेरी बीवी ने लिखी, तब मैंने पहचाना कि मुसलमान। तो मेरे भाई जो मुसलमान का ये हाल हो जाए तो इस कम्युनिटी को और इस मिल्लत को और इस उम्मत को कहां से अल्लाह ताला की मदद पर पहुंचेगी, अल्लाह ताला की मुसीबतों के अपने हाथ देखेंगे तो कहां तो नहीं सोचते। बहरहाल इतनी बात मैंने कह दी है, ये ज्यादा कहना भी मुनासिब नहीं है, इस मसले को सोचो आप हजार अपने तौर पर अपने जहनों में सोचो और ये दाढ़ी रखो, इससे कुछ बिगड़ता नहीं, कोई रिस्क घटता नहीं है। और जिनकी सही दाढ़ियां नहीं वो सही दाढ़ियां रखते हैं, जब रखना है तो अपने रसूल और हबीब की दाढ़ियों के मुताबिक रखो, रखना भी है और फिर उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। इसलिए इन दोनों बातों पर आइंदा गौर करो। लंदन में और यहाँ के माहौल में आसमान जमीन का फर्क,
लंदन के जाना जाता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि जैसा हिंदुस्तान में है बल्कि हिंदुस्तान से भी शानदार माहौल लंदन में नजर आता है। तीन चार शब्दों तक तो हमारे कोई देगा नहीं।